जवानी छुपाओ गाइज। तो जैसा कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में फिर भी देखा, वैसे स्टेटस वीडियो बनाने के लिए अपने मोबाइल फोन से हमें एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी, जिस एप्लीकेशन का नाम है अलाइट मोशन। अगर के पास अलाइट मोशन एप्लीकेशन नहीं है तो यह आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, जिसमें आपको वाटरमार्क नहीं मिलेगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपने अलाइट मोशन को ओपन कर लेंगे। ओपन करने के बाद आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में आपको एक प्रोजेक्ट लिंक मिलेगा, आपको उस पर क्लिक करके लाइट मोशन में डायरेक्टली मटेरियल को डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन में आ जाएंगे। प्रोजेक्ट वाले ऑप्शन में आने के बाद कुछ हमारा बीट मार्क इस पर लिखा होगा, हमारा बीट मार्क कुछ इस प्रकार से रहेगा। हमारा प्रोजेक्ट आप लोग देख सकते हैं, इसमें मैंने पूरा सेटिंग करके रखा है, तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, मैं बता देता हूँ आपको वैसे ही करना है। अगर आप इसमें कुछ छिड़कानी करेंगे तो वीडियो नहीं बनेगा, और वीडियो में पासवर्ड है इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखें। तो आप लोगों को क्या करना है गाइस, इस वाले फोन को क्लिक करना है, आपको इस जो इमेज लिखा है इस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे कलर्स फील्ड पर जाना है। कलर्स फील्ड पर जाने के बाद यहाँ पर स्टार वाले पर क्लिक करना है और आपका एक फ़ोटो आ जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही हम इस पर भी कर देंगे, तो इस वाले इमेज पर क्लिक करेंगे, कलर फील्ड पर जाएंगे, सेव पर क्लिक करने के बाद, और यहाँ से स्टार वाले पर क्लिक करेंगे, हमारा फ़ोटो आ जाएगा। अगर आप इन फ़ोटो को चेंज करना चाहते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है। हम तीसरे वाले बताते हैं आपको कैसे चेंज करेंगे। तो इस वाले इमेज पर क्लिक करेंगे, कलर फील्ड पर जाएंगे और इस स्टार वाले पर क्लिक करेंगे, ये हमारे यहाँ पर फ़ोटो आ जाएगा। अगर आप इसे चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये जो स्टार वाला देख रहे हैं यहाँ पर लिखा है नंबर, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आपका फाइल खुल जाएगा। आप जो भी फ़ोटो लगाना चाहते हैं, ये लगाना चाहते हैं, ये लगाना चाहते हैं, जो भी लगाना चाहते हैं उस फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर देंगे, हमारा फ़ोटो चेंज हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं। ऐसे ही हम पूरे को लगा लेंगे, तो मैं जल्दी से लगा लेता हूँ, आप लोग देखते रहिए। ओके, तो आप लोग देख सकते हैं इसी तरह आप लोग कुछ कर लीजिएगा अपने फ़ोटो पर। तो अब हम लोग को कुछ नहीं करना है, अब हम लोग इस वीडियो को सेव करेंगे। तो सेव करने के लिए आप लोग को क्या करना है, यहाँ पे सेटिंग के बगल में जो आइकन दिख रहा है इस पर सिंपली आपको क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से वीडियो वाला को सेलेक्ट करना है, अपने आप एक्सपोर्ट होने लगेगा। एक्सपोर्टिंग हो जाने के बाद आप लोग को वीडियो को सेव कर लेंगे।